अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बख़ैर। कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे? ओके जी, आज के दिन है ज़रा गला बेहतर। काम मेरा शुरू हो चुका है। चिप्स रात को बने काट के रखे थे, थोड़े फ्राई होने शुरू हो गए हैं, बाकी के ऑयल में जाने वाले हैं। और साथ बनाएंगे चाय और कंदील का बनाएंगे जल्दी से पराठा। ये बच्चों को जगा दिया है और मैं बनाने लगी हूँ पराठा। ये कहती है कि मेरे पराठे का तुमने इतना हंगामा मचा रखा है, थोड़ा सा तो मैं खाती हूँ। अरे भाई, खाती थोड़ा सा हो, पकाना तो पूरा पड़ता है ना, तो क्या कर सकते हैं हम? तुम पूरा खा लो, हम तो पका रहे हैं। मगर नहीं। और ओके जी, मैं चेक करके चाय का पानी भी रख दिया मैंने, ठीक है। और फ्राइज को एक दफ़ा देख लिया जाए। अच्छा लग रहा है, ये कम है। वैसे तो मैंने तो उसकी तरह 8-10 साल ही किए हैं, शायद मैं एक दो बाद में ऐड कर लूँगी। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई। जाओ वहाँ जाके भैया के पास लेटो, नंगे पैर आई हो। अच्छा, सॉक्स पहने हुए हैं, जाओ जल्दी से जाओ। ओके जी, ये बन गए दोनों लंच बॉक्स। और कहीं ये कम नहीं लग रहा, ठीक है जी। पराठा रेडी। और दो लोगों के धोने वाले, यहाँ का काम तो हो गया मेरा ख़त्म। बच्चे नाश्ता कर रहे हैं अंदर और चिप्स भी पूरे हो गए थे, लेकिन मिन्हा को याद आ गया कि उसने खाना है, तो मिन्हा के चिप्स तैयार हो रहे हैं। मैं फ्राइज छोड़कर और बाहर चली गई। अलवर को लेसेस डलवाने थे, मैंने उसके शूज़ में लेसेस उतार कर निकाल के और अपनी मर्ज़ी से नई तरह के लेसेस डाल दिए। वो लेसेस डाल के थी अलवर को, दोनों गए हैं। मैंने कुछ अब तैयार हैं, वो वापस आए थे, वो भी छोड़ने से चली गई है। सर्दी इस कदर हो रही है, मगर मजा आ रहा है, सुन ले। और पता नहीं क्या क्या पहन लिया, ग्लव्स भी निकाल कर पहन लिए अलमारी से, खूब ढेर सामान ला के चली गई। चल नेक्स्ट शिफ्ट की तैयारी करते हैं उसके साथ। ये क्या है, ये क्यों लेकर आई हो? तो आपने जब मुझे फ्राइज बनाने के लिए कहा था, फिर क्यों लाई? बाद में खा लूंगी, फ्राइज के बाद। ठीक है, इधर अंदर जाके रखो, मैं फ्राइज लेके आ रही हूँ। ओके जी, काम का बन रहा है अंडा, पराठा ऑलरेडी रेडी है, लेकिन एज यूजुअल उन्होंने कह दिया है कि अपना नाश्ता साथ लेके आओ। ऐसे नहीं करना होता, उन्हें जो है ना वो होता है कि तुम अपना नाश्ता साथ लो। चाहे मैं कह भी रही हूँ कि मुझे भूख नहीं लग रही, मैंने नहीं खाना, तो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, तुम ले तो आओ ना। तो होता ये कि जब ले आओ हो जाता तो हम दोनों बातें करने लगते हैं, कोई भी इधर उधर की। मैं यहाँ बातें करने लगती है, यहाँ को भूख लग रही होती है, मैं उससे खिलाना शुरू करती हूँ। ऐसा ऐसा ये होता है कि मैं खुद भी खाने लगती हूँ और आधा पराठा आधी रोटी जो भी चीज़ हो सब वो मैं खा लेती हूँ उनके साथ। तो उससे ये होता है कि जी हम दोनों ना साथ नाश्ता कर लेते हैं। डिनर वाले टाइम में कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने पहले खा लिया है या दिल नहीं चाह रहा, या साथ बाकी सब बैठे हैं अगर, क्योंकि काम ही को अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। ऐसा ऐसा मेरी आदतें उनमें चली गई और उनकी आदतें मेरे में आती जा रही हैं। शायद 15 साल हो गए, 15 साल में ऐसे ही होते, ठीक है ना, कि आप अपने लाइफ पार्टनर जैसे हो जाते हैं और वो बेचारा आप जैसा हो जाता है। तो पहले तो ये होता था स्टार्ट में बिल्कुल कि काम ही बात ही नहीं करते थे, और फिर से आते थे तो बिल्कुल ऐसा लगता था गूंगे हो गए। और मैं सारा दिन घर में अकेली रहती थी, मैं कहती थी बात क्यों नहीं करते हैं, ये खामोश क्यों रहते हैं। चल सा फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने पूछ पूछ के बात कर करके उनको आदत डाली इस बात की कि वो ऑफिस से आए तो बताएं क्या कर रहे थे, कैसा रहा दिन, कैसा गुजरा, क्या किया सारे दिन में, आदत डेवलप हो गई। फिर जी ये आदत डेवलप होने के बाद अब ऐसा है कि बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। इवन ऐसी है कि बहुत सारे रेगुलर कपल्स में ऐसा नहीं होता होगा जिस किस्म की बातें हम आपस में शेयर करते हैं, मीन्स ऑफिशियल भी और इधर उधर की भी। लोग मोस्टली अपनी वाइफ्स को जो है ना वो ऑफिस मैटर्स से बाहर रखते हैं, लेकिन ये होता है कि शेयरिंग पर्पज़ ये है कि भाई आपने इतना हेक्टिक डे गुजारा है तो आप उसे शेयर कर लें, बोल लें, तो वो ज़रा थकान आपकी बेहतर हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो
इस पर्पज़ से हम एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। और मैं तो बग़ैर तकरीर किए रह नहीं सकती जब तक सुना ना दूँ कि क्या क्या हुआ, मैं आराम नहीं कर सकती। ओके जी, यहाँ तैयार हो गया हमारी नाश्ते की ट्रे और हम साथ कर रहे हैं नाश्ता। सब बन रहा है हमारे किचन में दाल चावल, चावल हो रहे हैं यहाँ बॉयल है जी दाल, और यहाँ बन रहा है कचूमर सैलड, चटनी और सैलड। ये है जी मेरी प्लेट और मैंने इसमें डाले हैं दाल और थोड़े से चावल जो कि बहुत मज़े के हैं, और ये मामा ने बनाए हैं। सब साथ खाना खाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा बस फ्राइडे को हो सकता है। अच्छा जी, मैं उठी थी चाय बनाने के लिए और मैंने देखा कि मम्मा जो हैं ये काम कर रही हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। तो जी मम्मा जो हैं वो ये धुलाई थी, ऐसी हमने मंगाई थी क्विल्ट्स जो थी ऑनलाइन ऑर्डर करके, तो ये ऐसे स्टिच हुए हुए थे और मम्मा ने इसके ऊपर कवर चढ़ाया है ऐसे, ठीक है, ये इस तरह कवर चढ़ाया। अब इसको ये कॉर्नर्स वो करी हैं, उसके सी रही हैं साथ साथ ताकि ये मूव ना करे अपनी जगह से, और फिर इसको खोल लेंगे जब वॉश करना होगा और कवर वॉश हो जाएगा तो इस तरह जो ओरिजिनल वाला है वो मैला नहीं होगा। मामा आप मेरा भी चढ़ा के देंगी ना? हाँ, मैं मामा के साथ अपना वाला भी चढ़ा लूँगी, मतलब ऐसे ही मैं ऐसे बैठ जाऊँगी चढ़ा ही देंगी। ओके जी, किचन में आओ तो बर्तनों का ढेर नज़र आ जाता है आपको, पहले कोई भी काम करने से पहले आपको बर्तन धोने पड़ते हैं, तो जी मैं यहाँ धो रही हूँ बर्तन। ओके जी, बर्तन धुल गए हैं, थोड़ा सा बेसन घोला है, आलू छील रही हूँ, चाय बनाने लगी हूँ, चाय के साथ बनाती हूँ थोड़े से पकौड़े। ओके जी, ये निकल आया है मेरा पहला राउंड और क्रिस्पी से पकौड़े बन गए हैं, लेकिन क्योंकि माशाल्लाह खाने वाले ज़्यादा होते हैं तो एक राउंड और भी लगाना पड़ेगा, तो फिर उस राउंड के बाद मिलते हैं। मैं हवा में उड़ी। अलबत तुम्हारा उड़ना थोड़ा मुश्किल है बेटा। मैं हवा में उड़ी, मैं यही कह रही हूँ कि तुम्हारा उड़ना थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो तो बेचारी कह रही है पापा की बेटियां मोटी हो जाए तो उड़ नहीं सके। और मेरा जो छोटी हवा में उड़ता चलूंगी, मेरा लाल दुपट्टा मल मल का, मेरा लाल दुपट्टा मल मल का, मेरा लाल दुपट्टा मल मल का। अलवर के ड्रामे सारा वक्त लगे रहते हैं ऐसे ही, इसी तरह की हरकतें करता है। और ये बन गए थोड़े से पकौड़े, और इधर डल रही है चाय। तो कढ़ाई को ढक ठीक हो गया जी। तो यार फिर मैं ना शुरू हो जाएगी, उसने चाय पीनी है और मेरी चाय खराब करेगी। अलवर मुझे शुगर पॉट में ये चीनी भर के दो। क्या लाया, डायरी क्यों ले आया अभी? अभी आपको चीज दिखा रहा हूँ, कल मेरी असेसमेंट। आज के असेसमेंट का क्या हुआ? 8.5। 8.5 कितने में से? 10 में से। क्या गलत लिखा था? चलो पानी। नहीं, मैंने आपके लिए चाय नहीं बनाई। अलवर मुझे दो चम्मच दो, या एक ही काफी होगा। ये वाला पोटैटो वापस रख दो, ये मुझे दे दो, थैंक यू। और चिप्स भी है, गंदी बातें ना करो। केचप ले आओ और गार्लिक सॉस ले आओ। अच्छा जी, यहाँ करते हैं आज का व्लॉग एंड, कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।